Good morning students. Today we will start a new topic, healthcare system in India. जो state government है उसने हमें क्या क्या healthcare की facilities provide कर रखी हैं हमारे India में, तो वो आज हम इसमें पढ़ने वाले हैं. अब healthcare facilities जो हैं उसके लिए उससे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि हमें healthcare facility की ज़रूरत क्यों पड़ती है. Why we need the facility of healthcare system? जैसे इसमें मैंने लिखा है टू प्रिवेंट एंड ट्रीट इलनेस. हम इलनेस को प्रिवेंट करें और उसे ट्रीट कर सकें, इसीलिए हमें हेल्थ केयर फैसिलिटी की जो है वो ज़रूरत पड़ती है. अब हमें उस बीमारी को ट्रीट करने के लिए किन्हीं की तो हेल्प लेनी पड़ेगी. अपने आप तो हम उसे ट्रीट नहीं कर सकते, अपने आप तो हम उस बीमारी से नहीं लड़ सकते कि अभी हमें पहले से पता हो कि भाई इसकी इस चीज़ की ये दवाई है तो हम पहले से ले लें. उस चीज़ के लिए हमें कुछ कुछ फैसिलिटीज़ की ज़रूरत पड़ती हैं. अब हम उस बीमारी से बचने के लिए किन किन चीज़ों की हमें रिक्वायरमेंट होती हैं, जैसे वी रिक्वायर टू हैव फैसिलिटी सच एज हेल्थ सेंटर्स. हमें हेल्थ सेंटर्स की ज़रूरत पड़ेगी. हेल्थ सेंटर्स हैं, हॉस्पिटल्स की ज़रूरत पड़ेगी. हॉस्पिटल्स के बाद लैबोरेटरीज़ फॉर टेस्टिंग, अलग अलग लैबोरेटरीज़ होती हैं, उनमें टेस्टिंग्स होती हैं, जैसे यूरिन टेस्टिंग होगी, ब्लड टेस्टिंग होगी. तो अलग अलग लैबोरेटरीज़ होती हैं बहुत सारी जिनमें टेस्टिंग होती हैं. एम्बुलेंस सर्विस, अब ये तो है नहीं जिसका एक्सीडेंट हो गया वो खुद मतलब हॉस्पिटल पहुंच जाए और अपना ट्रीटमेंट कराएं, तो उसके लिए हमें एम्बुलेंस सर्विस की भी हेल्प ज़रूरत पड़ती है, ब्लड बैंक्स की ज़रूरत पड़ती है, एक्सेट्रा. अब ये चीज़ें अगर हमें इनकी रिक्वायरमेंट्स हैं तो इन चीज़ों को भी रनअप करने के लिए हमें कोई ना कोई तो चाहिए होगा. अपने आप तो रनअप तो होगा नहीं, तो टू रन सच फैसिलिटीज़, इन फैसिलिटीज़ को रनअप करने के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है हेल्थ वर्कर्स की. अब हेल्थ सेंटर्स हैं तो उसमें हेल्थ वर्कर्स भी होंगे, अपने आप तो वो रनअप होंगे नहीं. फिर उसके बाद नर्सेस की ज़रूरत पड़ती है. नर्सेस के बाद क्वालिफाइड डॉक्टर्स, जो मतलब अच्छे अच्छे क्वालिफाइड डॉक्टर्स होते हैं, उनकी ज़रूरत होगी हॉस्पिटल्स में. एंड अदर हेल्थ प्रोफेशनल्स, अदर हेल्थ प्रोफेशनल्स में ये आ सकते हैं कि जैसे कोई लैब है उसमें कोई टेस्टिंग के लिए चाहिए, हमें यूरिन टेस्टिंग के लिए चाहिए, तो वो अदर हेल्थ प्रोफेशनल्स में आते हैं. अब इनके बाद, अब ये सारी चीज़ें तो रनअप करने के लिए हो गए, लेकिन इसके बाद हमें ज़रूरत पड़ती है, वी ऑल्सो नीड द मेडिसिंस. हमें मेडिसिंस की भी ज़रूरत होगी. ये तो नहीं कि हम अपने आप जाके मेडिसिंस ले लेंगे, डॉक्टर से पूछ के ही वो मेडिसिंस हम लेंगे. एंड इक्विपमेंट्स, अब जैसे कि कोई ऑपरेशन करना है तो ये तो है नहीं कि भी हम खुद ही अपना ऑपरेशन कर लेंगे, तो हमें डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा. अब डॉक्टर के पास वो इक्विपमेंट्स जो हैं वो अवेलेबल होने चाहिए, इक्विपमेंट्स दैट आर नेसेसरी फॉर ट्रीटिंग पेशेंट्स. पेशेंट्स को ट्रीट करने के लिए कुछ इक्विपमेंट्स की और मेडिसिंस की ज़रूरत होती है. पॉजिटिव एंड नेगेटिव पॉइंट्स ऑफ अवर इंडियन कंट्री अबाउट द हेल्थ केयर सिस्टम, जो हेल्थ केयर फैसिलिटी हैं इंडिया में जो अवेलेबल हमें दी गई हैं. सो वी स्टार्ट द टॉपिक. इन इंडिया वी हैव अ ह्यूज पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम. हमारे इंडिया में बहुत ही बड़ा जो है पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम अवेलेबल है, तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो सिटीजन्स की हेल्थ को मतलब हेल्थ के ऊपर ज़्यादा ध्यान दें. तो इसके बाद हम हमारे जो बुक में एक पैराग्राफ दिया गया है, दो कॉलम्स दिए गए हैं जिसमें पॉजिटिव एंड नेगेटिव पॉइंट्स जो हैं हमारी बुक में दिए गए हैं, तो आज हम उस कॉलम्स को पढ़ेंगे. अब हम पढ़ेंगे जो हमें बुक में ये दो कॉलम्स दिए गए हैं. फर्स्ट कॉलम जो है उसमें हमें पॉजिटिव पॉइंट्स दिए गए हैं जो हमारे हेल्थ केयर सिस्टम है इंडिया का, और सेकंड कॉलम में हमें नेगेटिव पॉइंट्स दिए गए हैं. तो फर्स्ट कॉलम में अगर हम देखें पॉजिटिव पॉइंट में, तो ये बताया गया है कि इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ मेडिकल कॉलेजेस इन द वर्ल्ड. वर्ल्ड में से हमारी कंट्री में सबसे ज़्यादा मेडिकल कॉलेजेस हैं, एंड इज अमंग द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स ऑफ डॉक्टर. और हमारी कंट्री में सबसे ज़्यादा डॉक्टर्स जो हैं वो हर साल क्वालिफाई होते हैं. इसमें अप्रॉक्सीमेटली एक फिगर दे रखी है जिसमें बताया गया है कि मोर देन 30,000 न्यू डॉक्टर्स क्वालिफाई इन एवरी ईयर. हर साल जो है वो 30,000 जो नए डॉक्टर्स हैं वो क्वालिफाई होते हैं.
तो ये हमारे लिए एक बहुत ही बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है कि हमारे एक कंट्री में सबसे ज़्यादा जो डॉक्टर्स हैं वो हर साल क्वालिफाई होते हैं। उसके बाद हम सेकंड पॉइंट पढ़ेंगे। सेकंड पॉइंट में ये बताया गया है कि जो हेल्थ केयर फैसिलिटी है वो हर साल बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। जैसे 1950 में सिर्फ 2717 गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स बने, और 1991 में वो नंबर जो है वो ग्रो होके इंक्रीज होके 11,174 हो गया। अब 2000 का रेशो देखें, हम नंबर देखें तो जो हॉस्पिटल्स हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स वो 23,583 बन गए हैं। और ये जो हॉस्पिटल्स हैं ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, तो ये भी हमारे लिए पॉजिटिव पॉइंट है कि हमारी कंट्री में इतने ज़्यादा गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स जो हैं वो बने हुए हैं। थर्ड पॉइंट देखें तो इंडिया गेट्स अ लार्ज नंबर ऑफ मेडिकल टूरिस्ट फ्रॉम मैनी कंट्रीज़। हमारी कंट्री में हर साल अलग अलग कंट्रीज से सबसे ज़्यादा मेडिकल टूरिस्ट जो हैं वो आते हैं अपना ट्रीटमेंट करवाने के लिए। मेडिकल टूरिस्ट वो टूरिस्ट होते हैं जो अपनी किसी बीमारी का ट्रीटमेंट करवाने के लिए हमारी कंट्री के हॉस्पिटल्स में आते हैं। दे कम फॉर ट्रीटमेंट इन सम ऑफ द हॉस्पिटल्स इन इंडिया दैट कंपेयर विद द बेस्ट इन द वर्ल्ड। ये मेडिकल टूरिस्ट उसी हॉस्पिटल्स में आते हैं जो वर्ल्ड के कंपैरिजन में सबसे बेस्ट हॉस्पिटल माना गया है हमारी कंट्री का। और उसी तरीके से अगर फोर्थ पॉइंट रीड आउट करें तो इंडिया इज़ द थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मेडिसिन इन द वर्ल्ड। हमारी कंट्री जो है पूरे वर्ल्ड में से सबसे ज़्यादा दवाइयाँ जो है वो प्रोड्यूस करती है और थर्ड नंबर पर आती हैं। एंड इज़ ऑल्सो अ लार्ज एक्सपोर्टर्स एंड इज़ ऑल्सो अ लार्ज एक्सपोर्टर ऑफ मेडिसिन। और सबसे ज़्यादा मेडिसिन जो हैं वो हमारी कंट्री एक्सपोर्ट करती है अनदर कंट्रीज़ को। तो हमारे लिए ये बहुत अच्छे पॉइंट्स हैं कि हमारी कंट्री में हर साल इतने डॉक्टर्स जो हैं वो क्वालिफाई होते हैं, जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स का जो नंबर है, जो रेशो है वो हर साल बढ़ती जा रही है, इतने सारे मेडिकल टूरिस्ट आते हैं अलग अलग कंट्रीज़ से, और सबसे ज़्यादा मेडिसिन जो हैं वो हमारी कंट्री में बनती हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा हम मेडिसिन जो हैं वो एक्सपोर्ट करते हैं। अब इसी के अपोज़िट में हम नेगेटिव पॉइंट्स रीड आउट करेंगे। जैसे फर्स्ट नेगेटिव पॉइंट है, मोस्ट डॉक्टर्स सेटल इन अर्बन एरियाज़। अब इतने डॉक्टर्स जो हैं वो पास आउट क्वालिफाई होते हैं और डॉक्टर्स बनते हैं, तो वो मोस्टली जो डॉक्टर्स हैं वो अर्बन एरियाज़ में सेटल हो जाते हैं। और पीपल इन रूरल एरियाज़ हैव टू ट्रैवल लॉन्ग डिस्टेंस टू रीच अ डॉक्टर। और जो रूरल एरियाज़ के जो पीपल हैं उन्हें उन डॉक्टर्स के पास पहुँचने के लिए बहुत ही लंबा डिस्टेंस जो है ट्रैवल करना पड़ता है। तो ये हमारे लिए एक नेगेटिव पॉइंट भी है कि हर साल जो इतने डॉक्टर्स क्वालिफाई होते हैं वो सेटल हो जाते हैं अर्बन एरियाज़ में, सिटीज़ में सेटल होते हैं, और रूरल एरिया में तो कोई सेटल होता ही नहीं है, जिससे जो रूरल एरियाज़ के जो पीपल हैं उन्हें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती हैं। अब इसके बाद द नंबर ऑफ़ डॉक्टर्स विद रिस्पेक्ट टू द पॉपुलेशन मच लेस इन रूरल एरियाज़। अब इतने डॉक्टर्स जो हैं क्वालिफाई होते हैं वो सेटल हो जाते हैं अर्बन एरियाज़ में, तो रूरल एरियाज़ के जो पीपल हैं उन्हें वो फैसिलिटी जो है वो मिल नहीं पाती है। तो ये हमारे लिए एक नेगेटिव पॉइंट है। अब सेकेंड नेगेटिव पॉइंट रीड आउट करें, अबाउट 5 लाख पीपल डाई फ्रॉम ट्यूबरक्लोसिस एवरी ईयर। दिस नंबर इज ऑलमोस्ट अनचेंज्ड सिंस इंडिपेंडेंस। 5 लाख पीपल जो हैं वो टीबी की बीमारी से हर साल मरते हैं। अब इतने हॉस्पिटल्स जो हैं वो डेवलप हो रहे हैं, हर साल इतने हॉस्पिटल बन रहे हैं, बट फिर भी लोगों का ट्रीटमेंट अच्छे से नहीं हो पाता है। 5 लाख पीपल टीबी की बीमारी से मर रहे हैं। अब उसी के अकॉर्डिंग इसे पॉइंट को हम आगे रीड आउट करें तो ऑलमोस्ट 2 मिलियन केसेस ऑफ मलेरिया आर रिपोर्टेड एवरी ईयर एंड दिस नंबर इजंट डिक्रीजिंग। अब 2 मिलियन जो केसेस हैं मलेरिया की बीमारियों के हर साल आते हैं, और वो जो नंबर है वो अभी तक डिक्रीज़ नहीं हुआ है। टीबी की बीमारी के इतने मरीज़ आते हैं, मलेरिया के इतने आते हैं हर साल, और हर साल इतने हॉस्पिटल्स बनते हैं तो भी लोगों को प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिल पाता है। तो ये भी हमारे लिए एक बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट है कि इतने डॉक्टर्स हैं, इतने हॉस्पिटल्स हैं, फिर भी लोगों को अच्छे से ट्रीटमेंट नहीं हो पा रहा है। थर्ड,
वी आर नॉट एबल टू प्रोवाइड क्लीन ड्रिंकिंग वाटर टू ऑल. अब पॉजिटिव पॉइंट में हमने रीड आउट किया था कि अलग अलग कंट्रीज से हमारे कंट्री में मेडिकल टूरिस्ट आते हैं. अब वो मेडिकल टूरिस्ट तो आते हैं, क्या उन्हें फैसिलिटी मिल पाती है जो मिलनी चाहिए हॉस्पिटल्स में? नहीं, उन्हें पीने तक का पानी साफ नहीं मिल पाता है. और 20% जो है कम्युनिकेबल डिजीज़ वो होते हैं जो एक इंसान से दूसरे इंसान में फैलते जाते हैं. और 20% जो है कम्युनिकेबल डिजीज़ वो वाटर बॉर्न होते हैं, लाइक एग्जांपल डायरिया, वॉर्म्स, हेपेटाइटिस एक्सेट्रा. तो ये भी हमारे लिए सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट है. उसके बाद हम लास्ट नेगेटिव पॉइंट रीड आउट करें तो उसमें ये पता चलेगा हमें कि हाफ ऑफ ऑल चिल्ड्रन इन इंडिया डू नॉट गेट एडिक्वेट फूड टू ईट एंड आर अंडर नरिश्ड. इंडिया के हाफ ऑफ चिल्ड्रंस जो हैं उन्हें अच्छे पोषण वाला खाना तक नहीं मिल पाता है और वो अंडर नरिश्ड रह जाते हैं. तो जितने हर साल इतने डॉक्टर्स क्वालिफाई होते हैं, इतने हॉस्पिटल्स डेवलप हो रहे हैं, इतने मेडिकल टूरिस्ट आ रहे हैं, इतनी दवाइयाँ बन रही हैं, इतनी दवाइयाँ एक्सपोर्ट हो रही हैं, फिर भी जो लोगों को जो है फैसिलिटी वो अच्छे से नहीं मिल पाती हैं. अभी हमने जो पॉजिटिव नेगेटिव पॉइंट्स पढ़े थे जो हमारे गवर्नमेंट ने हेल्थ केयर सिस्टम में हमें प्रोवाइड कर रखे हैं, तो इसमें क्वेश्चन अराइज होता है कि क्या आप इस जो फैसिलिटी हमें मिली है क्या आप उससे सेटिस्फाई हैं या नहीं. जितने भी पॉजिटिव नेगेटिव पॉइंट्स हमने देखे हैं तो मेरा तो आंसर है कि नहीं, क्योंकि हमारे पास इतने फैसिलिटी होने के बाद भी लोगों का ट्रीटमेंट नहीं हो पाता है तो फिर उन फैसिलिटीज़ का क्या फ़ायदा. तो विद ऑल द पॉजिटिव डेवलपमेंट, जितने भी पॉजिटिव डेवलपमेंट जो हैं, वी आर इतने पॉजिटिव डेवलपमेंट्स जब हमारी कंट्री करवाती है, बट फिर भी वी आर नॉट एबल टू प्रोवाइड प्रॉपर हेल्थ केयर फैसिलिटी टू पीपल. फिर भी लोगों को प्रॉपर हेल्थ केयर फैसिलिटी जो है वो नहीं मिल पाती है इतने पॉजिटिव डेवलपमेंट होने के बाद भी, कि इतने डॉक्टर्स पास आउट होते हैं, इतने हॉस्पिटल्स हैं, इतने मेडिकल टूरिस्ट आते हैं और इतनी मेडिसिंस बनती हैं, इतना एक्सपोर्ट होता है मेडिसिंस का, फिर भी जो गवर्नमेंट है वो प्रॉपरली जो लोगों का है ट्रीटमेंट नहीं करवा पाती है. तो किस लिए नहीं करवाती है, व्हाट इज़ द रीज़न ऑफ दिस, व्हाई? लैक ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोई भी इस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटी की कमी है. करप्शन इतना बढ़ता जा रहा है, जैसे गवर्नमेंट 1 करोड़ रुपए देती है हेल्थ केयर सिस्टम के लिए, तो वो नीचे तक आते आते नॉर्मल पीपल तक तो आते आते वो बट ही जाता है आपस में. तो इतने जो है करप्शन इतना बढ़ रहा है, तो इस तरीके से भी फैसिलिटी जो है वो हमारे तक नहीं पहुंच पाती है. पॉपुलेशन भी एक रीज़न है, इतना पॉपुलेशन जो है वो बढ़ता जा रहा है. तो ये जो 3 रीज़न्स हैं वो इसी चीज़ के रीज़न हैं कि हमें फैसिलिटी जो है वो प्रॉपरली क्यों प्रोवाइड नहीं कर पाती है हमारी गवर्नमेंट. फर्स्ट पॉइंट इज़ लैक ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, करप्शन, पॉपुलेशन एक्सेट्रा. Our country has the money, knowledge and people with experience but cannot make the necessary health care available to all. हमारी कंट्री में रुपया है, इतने सारे पैसे हैं, इतनी नॉलेज है और इतने पीपल हैं विद एक्सपीरियंस के साथ, कोई मतलब इतने डॉक्टर्स विद एक्सपीरियंसेस, सो मैनी नॉलेजेस, मनी, बट फिर भी हम हेल्थ केयर फैसिलिटी अवेलेबल नहीं करवा पाते हैं पीपल तक. तो लेट अस अंडरस्टैंड दिस थ्रू द स्टोरी ऑफ हकीम शेख. अब इसी चीज़ को हम रिलेट करेंगे हकीम शेख की स्टोरी के साथ, कि कैसे हकीम शेख कौन था, उसे कैसे फैसिलिटी नहीं मिल पाई जो उसे मिलनी चाहिए थी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के लिए, उसने कितने चक्कर काटे फिर भी उसे कोई फैसिलिटी नहीं मिल पाई, लास्ट में उसने अपना ऑपरेशन जो है ट्रीटमेंट जो है वो प्राइवेट हॉस्पिटल में करवाया. तो अब अगली वीडियो में हम स्टोरी पढ़ेंगे हकीम शेख की. थैंक यू एवरीवन.